जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारे इस स्पेशल ट्रेनिंग में। और ये ट्रेनिंग स्पेशली हमने डिजाइन की है, इसका नाम है लेसन्स स्पेशली फॉर टीनेजर्स। व्हाट्स द वर्ड? लेसन्स स्पेशली फॉर टीनेजर्स एंड लेसन्स, दीज आर द लेसन्स फ्रॉम चाणक्य नीति। तो ऑलरेडी मैंने एक छोटी सी ब्रीफिंग ऑलरेडी दी है इस मंच के लोगों को, स्टिल आई वुड लाइक टू रिपीट। चाणक्य वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ इंडिया। आज से करीब करीब 2300 साल पहले वो इंडिया में थे। पाटलिपुत्र, जिसका नाम आज पाटना है, बिहार की राजधानी है, वहां उनका जन्म हुआ। तक्षशिला, जो कि अभी पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के आसपास, वहां उन्होंने एजुकेशन किया, वेयर ही बिकेम प्रोफेसर। और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, बहुत सारे जिसे कहते अपने ज्ञान की मदद से प्रभाव किया। ही वॉज वन ऑफ द रीजन्स ऑफ गेटिंग रेड ऑफ सिकंदर रूल। सिकंदर आए थे हमारे पास, अलेक्जेंडर सिकंदर, तो जाते जाते कुछ सेनापतियों को छोड़ के गए थे। और इट वॉज चाणक्य स्पाइज, स्पाई का पता है आपको, जिन्होंने उनको खत्म किया और भारत को फिर से एक बार मुक्त होने में मदद की आज से 2300 साल पहले। चाणक्य के बारे में और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉर्म किया और जीने के तरीकों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो चाणक्य नीति को मैं बहुत सालों से स्टडी कर रहा हूँ, यानी मैं बेट लगाता हूँ आप में से बहुत सालों का जन्म नहीं हुआ होगा। इट वॉज इन 1993 जब मैंने पहली बार चाणक्य नीति पढ़ी थी। ओके, तो तब से लेके आज तक मैं स्टडी करता हूँ। और जैसे दासबोध है या भगवद गीता है, आई बिलीव ये लेसन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इफ यू आर रियली एक्साइटेड टू लर्न दिस लेसन, टाइप करे ब्रिंग इट ऑन, BIO, टाइप करे BIO। एंड लेट मी स्टार्ट विद द लेसन ऑफ टूडे। आज का लेसन है कि ये चाणक्य ने जो लिखा है आज का लेसन, वो उसका रेफरेंस जो है, इस लेसन का रेफरेंस है कि कौन सी प्लेस में नहीं रहना चाहिए, कौन सी जगह पे नहीं रहना चाहिए। ध्यान से सुनना। तो पहले मैं जनरल पर्सपेक्टिव में इसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं टीनेज स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। सो कृपया नोट करें। और जो बड़े लोग हैं, डबल टीनेजर या ट्रिपल टीनेजर, यू नो, अगर मान लो 14 वाला टीनेजर है तो 14 × 3, तो मैं ट्रिपल टीनेजर हूं एट 42। यस, तो देयर आर सम डबल टीनेजर, सम ट्रिपल टीनेजर, सभी का स्वागत है। तो चाणक्य ने कहा, क्या कहा पता है? ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं रहना जहां पे तुम्हें रिस्पेक्ट ना मिले। ध्यान से सुन लेना इस बात को। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बहुत बार क्या होता है टीनेज में ना, हमें ग्रुप के साथ रहना होता है, यू नो, ग्रुप के साथ रहना होता है, बराबर है? शो ऑफ हैंड्स, दोस्त चाहिए, हाँ या ना? कई सारे लोग बोल रहे कहां से आ गया क्वारंटाइन फॉरंटाइन, यू नो, हमको स्कूल भेजो, थोड़ा सा दोस्तों से मिलेंगे वगैरह वगैरह। हम दोस्तों की जैसा बनना चाहते हैं, बट व्हेनेवर यू मेक फ्रेंडशिप, व्हेनेवर यू गेट इनटू सम ग्रुप, रिस्पेक्ट हैज टू बी योर टॉप प्रायोरिटी। जहां मान सम्मान नहीं, जहां आपको आप जैसे हो वैसा एक्सेप्टेंस नहीं है, वहां रहना नहीं है। रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ऐसी जगह पे नहीं रहना है जहां ग्रोथ की बात नहीं हो रही या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं हो रही है ना। अब ये तो चाणक्य ने बड़े पर्सपेक्टिव में कहा था, राज्य के पर्सपेक्टिव में, कि ऐसी सिटी में जाना चाहिए। मैं एग्जांपल सिटी का देता हूँ, जस्ट थिंक ऑफ इट, कि ऐसी कोई सिटी है जहां पे वाटर सप्लाई नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वहां लोग ना एकदम लो प्रोफाइल जीते, प्रगति नहीं होती, हाँ या ना? और कुछ ऐसी सिटीज होती है जहां पे मान लो खेती अच्छी है, रिवर है, एजुकेशन की फैसिलिटीज है, इंडस्ट्रीज। एग्जांपल पुणे, आई लिव इन पुणे, पुणे हैज ऑल दिस थिंग, एंड दैट इज व्हाई वो कहते हैं कि पुणे संस्कृति का महर घर है, यू नो, मैका है संस्कृति का। तो पुणे में सब अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, बहुत सारी चीजों की, इवन एजुकेशन का भी हब है पुणे। तो ऐसी शहर में रहना चाहिए जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ध्यान से सुन लेना, सेम कॉपी पेस्ट लगाते हैं अपनी कंपनी को, ऐसी कंपनी में रहना है जो प्रोग्रेसिव है। व्हाट्स द वर्ड? प्रोग्रेसिव है। ध्यान से सुनना, आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू, जिनको पसंद आए ये पॉइंट लिख लेना, महीना भर में एक बार देख, अपने ग्रुप की मेंटेलिटी को के बारे में सोचना है महीने में एक बार। क्या मेरे लोग जस्ट टाइम पास वाले दोस्त मैंने अट्रैक्ट किए है? क्या मेरे दोस्त जस्ट जिसे कहते हैं ना टाइम किलिंग वाले है? क्या मेरे दोस्त कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, प्रोग्रेसिव बात करते हैं? मैं जस्ट बताना चाहूंगा दोस्तों, भाग्य की बात है, मेरे खुद के लिए भाग्य की बात है। मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, तब मैंने स्वयं, मैं
अजय शिरसागर, शिवाजी कदम, चंदन बोरा, आनंद हीरापुरकर, नाम लेके बता रहा हूँ मैं आप सबको, है ना। तो हम सब लोग एक साथ आए थे और हमने 550 बुक्स की किरण ग्रंथ संपदा नाम की लाइब्रेरी शुरू की थी। कैन यू इमेजिन इन फर्स्ट ईयर ऑफ आर्स। और हमें हम यानी मैंने ऑलरेडी कहा 93 जब मैं नाइन्थ में था तब से मैं बुक्स पढ़ता हूँ। ओके तो प्रोग्रेसिव कंपनी है तो रही है, अगर प्रोग्रेसिव कंपनी नहीं है ओके तो प्लीज वहां से निकलने का समय आ गया। चाणक्य और क्या कहते हैं आपको कि ऐसी जगह ना रहे जहां पे आपके रिलेटिव्स नहीं है। ये क्या हो गया? अब रिलेटिव के बारे में चाणक्य ध्यान से सुनना, ये 2300 साल पहले उन्होंने लिखा है। तो आज क्या है, आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ऐसी जगह ना रहो जहां पे आपके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध नहीं है। आई होप यू आर एबल टू रिलेट। यू शुड हैव अ सपोर्ट सिस्टम। वी आर सोशल एनिमल्स, गुस्सा ना करना, वी आर रियली एनिमल्स एंड वी आर सोशल, सो वी आर सोशल एनिमल्स। तो कृपया नोट करें इस बात को कि चाणक्य ने कहा ऐसी जगह पे रहो जहां पे आपके लिए कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध है। व्हाट्स द वर्ड? सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध है। यस, सो फार सो गुड। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है जरा हाथ दिखाएं, शो ऑफ हैंड्स प्लीज। यो क्या बात है, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने और कहा क्या कहा, ऐसी जगह नहीं रहना, ऐसे शहर में नहीं रहना जहां कोई अमीर आदमी नहीं हो। ध्यान से सुनना, ऐसे शहर में ना रहना जहां कोई अमीर आदमी ना हो। इमेजिन देयर इज अ सिटी, वहां पे कोई अमीर नहीं है, मतलब क्या, वहां अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो टीनेजर पर्सपेक्टिव से जब मैं बात कर रहा था एंड वी हैव अ ग्रुप जो हम इन पे चिंतन करते हैं, यू नो, तो ऐसे ग्रुप में ना रहना जहां पे कोई टॉपर्स नहीं है, यू नो व्हाट्स द वर्ड। अब स्टूडेंट के लिए अमीरी क्या होगी, ज्ञान की अमीरी होगी, स्किल की अमीरी होगी, है ना, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, हैबिट्स की अमीरी होगी। लिख लेना तीन शब्द, ज्ञान की अमीरी, स्किल की अमीरी, है ना, और हैबिट्स की अमीरी। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया दोस्तों, प्राउड फील कर रहा हूं मैं, रियली प्राउड फील कर रहा हूं, ये प्यारे से बच्चा, ये प्यारा सा बच्चा जिसने आज ही ये गेम डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से क्योंकि वो इरिटेट हो रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, उसका स्कोर कम हो गया, है ना। इनफैक्ट उसने तो मुझे बताया ये मोबाइल गेम के चक्कर में उसको मैथ्स में 2 मार्क मिल गए। यू कैन इमेजिन ही कुड नॉट स्टडी। वो मोबाइल खेला बिना प्रैक्टिस के, मैथ नहीं चलता है ना, अगली बार 2 के आगे 0 लग सकता है अगर मोबाइल की जगह प्रैक्टिस करेंगे तो, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। एंड मैंने जब उससे बात की तो ही सेड कि सर अभी तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ये अगर मैसेज भी आप देखोगे तो इट्स जस्ट फ्यू मिनट्स बैक, है ना। यहाँ पे कहीं टाइम दिख रहा है, मैसेज का टाइम शायद नहीं है उपलब्ध, तो चलो कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं। हाँ है ना, इधर 8:41, कैन यू सी, 8:41 को ये मैसेज आया है मुझे, तो अभी से कुछ मिनट पहले की बात है, जस्ट ना। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं चाणक्य ने और क्या कहा, है ना। ऐसी जगह ना रहो जहां पे 3 चीजों का अभाव हो, राजा ना हो, ब्राह्मण ना हो, और राजा नहीं, ब्राह्मण नहीं, विद्या नहीं। अब राजा का मतलब क्या, ऐसी जगह टीनेजर ने कभी नहीं रहना जहां पे कोई कंट्रोलर ना हो। ध्यान से सुनना, आपके फायदे की बात है, है ना। आप में से आधे लोग तो परेशान हो मम्मा नाम के सीसीटीवी से, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू रियली कैन रिलेट टू दिस कि मम्मा की नजर सब पे होती है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, ईमानदारी से, ईमानदारी से और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली हो। ये दुनिया में अगर कोई आपका भला चाहता है तो वो माता पिता है, आपके गुरुजन है, और उनको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। तो ऐसी जगह ना रहो जहाँ किंग ना हो। किंग ना मतलब क्या, कोई कंट्रोलर ना हो। आपको जरूरत है कम से कम 20-22 साल तक, जब तक आपका 22वां बर्थडे नहीं आता, आपका जिसे कहते हैं ना प्रीफ्रंटल लोब, जिसे कहते हैं साइंस में, जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डेवलप नहीं होता, तब तक आपको एक कंट्रोलर चाहिए। दूसरी बात, जहां ब्राह्मण ना हो। ब्राह्मण मतलब क्या, कोई ना कोई ज्ञानी, जाति पे नहीं जाते, क्षमा करना दोस्तों, क्षमा करना, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी गुरु। व्हाट्स द वर्ड? ज्ञानी गुरु। ज्ञानी गुरु ना हो, क्योंकि ज्ञानी गुरु आपका समय बचा सकता है, वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, यस। तो ज्ञानी गुरु ना हो। और उन्होंने एक बात की, ऐसी जगह पे ना रहना जहाँ पे देर इज नो विद्या। विद्या मतलब यू नो, आप नहीं तो कहोगे मेरे क्लास में एक विद्या है जो अभी क्लास चेंज कर गया, तो आई विल ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम द क्लास, विद्या नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे है ना। मेरी भी एक क्लासमेट थी 7वीं तक विद्या नाम की, बट वो चली गई बाद में, है ना। तो उसका बात नहीं चल रही, बात चल रही है नॉलेज की, है ना।
जहां सीखने को नहीं मिल रहा ऐसी जगह पे नहीं रहना, ऐसी कंपनी में नहीं रहना, ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं रहना। एक और बात उन्होंने बताई थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, कि ऐसी जगह ना रहना जहां रिवर ना हो, यू नो, जहां नदी नहीं वहां शहरों की प्रगति नहीं। ओके, तो उसको थोड़ा सा अलग रखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं और अगला पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं, है ना। ऐसी जगह ना रहना जहां पे अनुशासन ना हो, यानी फियर ऑफ पनिशमेंट ना हो, ऐसी जगह नहीं जाना, फियर ऑफ पनिशमेंट। अब आप में से बहुत सारे लोग, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका बैड लक है कि डंडे से पीटने वाले टीचर आपको नहीं मिले, ये आपका बैड लक है दोस्तों, सच में। आज भी मैं मेरे संभा सर को याद करता हूँ, 6 फुट 2 इंच वाले, और ये लंबा चौड़ा डंडा, और ऐसे मारते कि दो दो टुकड़े हो जाते, और बैकअप में दो चार डंडे रखते थे वो, यू नो। बट आई विल टेल यू, जब हम मन से हार जाते थे, लेजीनेस में चले जाते थे, जब हम सिर्फ खेलना चाहते थे, जीवन के प्रति जिसे कहते हैं ना सीरियस नहीं थे, ओके, तब ये डिसिप्लिनरी टीचर जो थे हमारे, पनिश करने वाले टीचर थे, है ना, उन्होंने हमें ट्रैक पे रखा, है ना। आजकल माता पिता बहुत बार बोलते हैं, बेटा मत खेलो, टीवी बंद करो, मोबाइल रख दो, टीवी बंद करो, मोबाइल रख दो, और इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू नो, आया ना। फिर एक बार दंडा निकला कि सब ठीक हो जाता है, यू नो, कैसे होता है वो डायलॉग आपको पता है, मम्मा कैसे बोलती है पहले, बेटा जरा टीवी बंद कर देना, फिर क्या बोलेगी, बेटा टीवी बंद करो, फिर बोलेगी बेटा, फिर आगे वाला आपको पता है, तो मैं नहीं बताता हूँ, यू नो, बट स्टिल अगर पनिशमेंट नहीं है तो ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। ओके, पनिशमेंट नहीं है तो ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए, वेलकम करो पनिशमेंट का, वेलकम करो पनिशमेंट का, है ना। और एक बात है, ऐसी जगह कभी ना रहो जहां पे लाज नहीं है, ध्यान से सुनना इस शब्द को, लाज नहीं है। अब पहले समझने का प्रयास करते, ये आखिरी पॉइंट है चाणक्य नीति का आज का, ओके, एक है और एक है, चलो, लाज नहीं है इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना दोस्तों, एक सोशल नॉर्म्स होते हैं, व्हाट्स द वर्ड, सोशल नॉर्म्स होते हैं, है ना, बड़ों के साथ बात करने की एक तहजीब होती है, बड़ों के सामने खड़ा होने का एक तरीका होता है, गुरुजनों को मिलने का एक तरीका होता है, यू नो, इवन जैसे कहते हैं ना, हमें आज भी याद है, हम जब ग्राउंड पे खेलते थे, है ना, तो मुझे आज भी याद है, पंकज सोनी बॉलिंग कर रहा था और मैं बैटिंग कर रहा था, और किसी ने उधर से बता दिया कि चोरंबेकर सर आ गए, यू नो, हमारे भूगोल के टीचर, है ना, तो वो बॉलिंग करते करते रुक गया, मैं बैटिंग करते रुक गया, और हमने झुक के कहा नमस्ते सर, यू नो, पूरी मैच रुक गई, बिकॉज सर वॉज क्रॉसिंग बाय। अब ध्यान से सुनिए, आजकल कई जगह पे ये एटिकेट्स को वैल्यू नहीं दी जा रही, एवरीवन इज थिंकिंग एज इफ कि ये पूरी दुनिया मेरी है, मैनर्स नहीं रहे, है ना, बड़ों के प्रति आदर नहीं रहा, सोशल नॉर्म्स नहीं रहे, लाज नहीं रही, और ऐसी जगह पे पतन होता है, यू नो, पीपल हु हैव नो मोरल वैल्यूज वुड एंड अप डिस्ट्रॉइंग द सोसाइटी, एंटायर सोसाइटी, ऐसा चाणक्य ने 2300 साल पहले कहा था, तो ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। आखिरी वाली बात जहां पे तीन शब्द आते हैं, ऐसी जगह ना रहो जहां ग्रेटिट्यूड नहीं है, नम्रता नहीं है, और देने का जज्बा नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको प्योरली आपके सोशल ग्रुप की तरफ लेते हैं, आपके दोस्तों के प्रति, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें ग्रेटिट्यूड है क्या, बार बार थैंक यू बोलने की वृत्ति है क्या, धन्यवाद देने की वृत्ति है क्या, बहुत जरूरी है, नोट करें, ग्रेटिट्यूड इज वेरी 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 क्रिटिकल इन लाइफ। ग्रेटिट्यूड के साथ नम्रता, यू नो, पोलाइटनेस, व्हाट्स द वर्ड, पोलाइटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा शब्द, देने का जज्बा, देने का एटीट्यूड, यू नो, लेने का जज्बा तो हर कोई रखता है, पर हमें हमेशा कहते हैं ना यार, वो दोस्त हो ना जो कि एग्जाम जाते जाते भी अगर आपकी पेंसिल भूल गई तो ऐसे तोड़ के बोलेगा ये रख ले तेरे हाथ में, यू नो, ऐसे दोस्त होने चाहिए, देने का जज्बा वाले दोस्त होने चाहिए। आई बिलीव आपको ये जो भी मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, डे वन के आज के, ऐसे हम 18 सेशन करेंगे, हाउ मेनी, 18 सेशन करेंगे, और ये लाइफ लर्निंग्स होगी। तो अगर आपको ये लाइफ लर्निंग्स पसंद आ रही है तो कृपया टाइप करें चैट बॉक्स में वाव। और आज के लिए हम यही रुकते हैं, तो आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। कृपया इस कोर्स को पूरा करें, इसको मिस ना करें, इसके वीडियो की लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, इसको 2-3 बार देखें, नोट्स निकालें, और सीरियसली एक जगह ये और एक जगह रियल लाइफ क्रॉस चेक करके देखें। ध्यान से सुनना, मेरी लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्रॉस चेक करके देखें, एंड दैट इज हाउ आपको इसका फायदा होगा। तो इसी के साथ ही दोस्तों, देवी और सज्जनों,
और बच्चों, प्यारे से बच्चों, सभी को मेरा मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू। आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण।